हेलो ब्यूटीफुल, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं हूँ वंदना और मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। आई होप यू ऑल गाइज डूइंग वेल। और आज की वीडियो जो होने वाली है एनालॉग मार्केट की वीडियो, और ट्रस्ट मी गाइज, इस वीडियो में जो जो कलेक्शन मैंने कवर किए हैं वैसे कलेक्शन आपने पहले नहीं देखे होंगे। और जो लाजपत नगर की हाइएस्ट रेट वाली और क्वालिटी वाली जो कलेक्शन है ना सूट्स वगैरह के, वो मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया है। साथ में कुछ साड़ियाँ आपको अच्छी अच्छी मिल जाएंगी इस वीडियो में देखने को। स्लीपर्स और ज्वेलरी का भी आइटम मिल जाएगा, बच्चों की जो साड़ियाँ होती हैं वो मिल जाएंगी। 300 की रेंज वाली साड़ियाँ भी मैंने इस वीडियो में शो किया है। तो बहुत सारी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारा कलेक्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और जो भी मेरे साथ न्यू व्यूवर जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो आपको अगर इसी तरीके से मार्केट्स की अपडेट आप देखना पसंद करते हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है कुछ खास, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं तो बजट में ही शॉपिंग करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें शॉपिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ना ये मैं आ चुकी हूँ एक पटरी शॉप पर। यहाँ पर ना पटरी पर ये लगती है एक्चुअली, मतलब नीचे की तरफ लगा के रखते हैं और ऊपर भी इनके पास काफ़ी सारी साड़ियों का कलेक्शन होता है। तो मैं बता देना चाहूँगी कि जो ऊपर की तरफ साड़ियाँ टंगी होती है ना इनके पास, उनका जो रेट है वो 1000 है। जैसे कि ये ऑर्गेंजा वाली साड़ी आप देख रहे हैं ना, ये 1000 रुपीज़ की है और बहुत ही अच्छी साड़ी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और जो नीचे है ना वो 200-200 रुपये की है नीचे वाली, जिसमें चुन्नियाँ वगैरह और एक दो साड़ियाँ भी आपको मिलेंगी कुछ इस तरीके की। तो ये जो आप देख रहे हैं ना मरून वाला, ये चुन्नी है एक्चुअली, सूट की चुन्नी है। सिंपल सूट्स वगैरह होते हैं ना तो उस पर इस तरीके की हैवी जो चुन्नियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तो 200 रुपीज़ इसका प्राइस था। और चुन्नियों के साथ ना सूट का पीस भी था इसमें, मतलब सिल्क में ना सूट का भी पीस आपको मिल जाएगा जिसमें आप पूरा सूट स्टिच करवा सकते हैं। तो मैं सूट भी आपको दिखा देती हूँ। ये ऑरेंज वाला जो आप देख रहे हैं ना, सॉरी येल्लो कलर का जो है वो सूट है, और ये वाला आप देख रहे हैं तो इसमें चुन्नियाँ सूट सारा है। जो भी कलर आप पसंद करना चाहते हैं तो इसमें से पसंद करके आप ले सकते हैं। तो इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे, कलर बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। हालांकि सिल्क वाले सूट थोड़े मुझे लगता है हैवी हो जाएंगे, मतलब मटेरियल उसका काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, बट एक एलिगेंट सा लुक आता है उसमें वेयर करने के बाद। तो अगर आप उस तरीके के सूट्स वगैरह पसंद करते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं 200-200 रुपीज़ की रेंज में, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा आपको। बाकी जो मटेरियल है ना उसके कपड़े हैं, उसकी क्वालिटी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या क्वालिटी है, वो आपको देख के ही समझ में आएगा। ये ऑनलाइन डील नहीं करते हैं कि इसलिए इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन डील नहीं करते। इनकी रोज़ की ऐसा ही है, थर्सडे को ये लोग मार्केट लगाते हैं और यहीं पे आपको विज़िट करके लेना होगा। तो यहाँ इन लोग कैसे विज़िट कर सकते हैं इसकी ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप मेरे लिंक से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये वाली साड़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑर्गेंजा में साड़ी थी और उसका रेट भी 1000 रुपीज़ था, जो बहुत ही प्यारा। तो अभी हम मूव ऑन कर चुके हैं किसी नेक्स्ट शॉप पे, और यहाँ पे सेल लगी हुई थी साड़ियों की, 350, 450, 650 इस तरीके की रेंज थी इनके पास और बहुत सारे कलेक्शन थे। तो ये वाली जो साड़ी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, फुल्ली वर्क साड़ी है और इसका जो प्राइस है वो है 350। तो जितनी भी साड़ियाँ ये आगे की तरफ आप देख रहे हैं ना 350 की रेंज में है, 350 की रेंज में आपको ये साड़ियाँ मिल जाएंगी। आपको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ले सकते हैं, बट आप थोड़ा बहुत क्वालिटी वगैरह चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की भारी साड़ियाँ अभी ज़्यादा नहीं चलती हैं, ज़्यादा लोग इसे वेयर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत हैवी हो जाती है। अभी सबको सिंपल सी साड़ियाँ चाहिए होती हैं जिसे ना पहन के आप कहीं भी जा सकें, और ये साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि किसी फंक्शन वगैरह में ही वेयर की जाती हैं, उसके बाद कहीं आने जाने के पर्पज़ से काम में नहीं आ पाती, इसीलिए लोग सिंपल साड़ियाँ ज़्यादा देखते हैं। बट फेस्टिवल के हिसाब से आप ऐसी वर्क वाली साड़ियाँ भी ले सकते हैं जो काफ़ी प्यारा लुक आप क्रिएट कर सकते हैं इन साड़ियों के साथ। तो इनके पास ना ऑलमोस्ट सारी साड़ियाँ थी, जैसे बॉर्डर वाली साड़ी आपको मिल जाएगी, ये ब्लू वाली जो है पूरी प्लेन साड़ी है और पूरी साड़ी पे आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा। इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आपको मिल जाएगा और इसका रेट भी 350 रुपीज़ था। और ये आप पिंक वाला जो देख रहे हैं, पिंक वाले में भी कुछ आपको इस तरीके से वर्क मिलेगा धागे का, जो देखने में लग रहा है कि जैसे मोती टाइप की लगी हुई है और वो डबल साड़ी है,
मतलब दो कलर की साड़ी होती है ना, कुछ उस तरीके की है। ये वाली साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये कोई वहाँ पे परचेज़ कर रहा था, बट इसका जो प्राइस था वो जब मैंने पूछा कितने की है तो उन्होंने 800 रुपीज़ बताया। इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कलर भी डिसेंट सा था और क्वालिटी भी अच्छी थी, बट बार्गनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 800 रुपीज़ वैसे यहाँ से लेंगे तो आपको महंगा ही लगेगा, वैसे ये साड़ियाँ महंगी आती हैं, बट स्टिल आप बार्गनिंग ज़रूर कीजिए, यहाँ पर बार्गनिंग हो जाएगी तो बार्गनिंग करके आपको 500-600 की रेंज में अच्छी से अच्छी साड़ी आराम से मिल जाएगी। मिलने को तो 400 रुपये की रेंज में, 450 की रेंज में भी साड़ी आपको अच्छी अच्छी मिल जाएगी इंद्रलोक मार्केट में, ठीक है। और जब बहुत अच्छी साड़ी लेंगे ना तो 1000-1200 में आपको बहुत अच्छी साड़ी मिल जाएगी। तो ये है इनके पास 350-350 की रेंज वाली, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिंपल साड़ियाँ नहीं, इसमें आपको इस तरीके की देख रहे हैं डेली वेयर के पर्पज़ से ऐसी साड़ी भी आपको मिलेगी। तो ये वाली साड़ी बिल्कुल सिंपल सी थी और इस वाली शॉप पर ना काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत सारे लोग ऑलरेडी साड़ियां यहाँ पे परचेज कर रहे थे। ये वाली साड़ी आप देख रहे हैं, इस वाली साड़ी का मटेरियल भी काफी ज्यादा अच्छा था, बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल था, इसका रेट भी इन्होंने अलग कोट किया, कुछ 400-500 की रेंज तक इन्होंने इसका जो है प्राइस कोट किया। बाकी बार्गनिंग वगैरह जैसे कि मैं बता रही हूँ, बार्गनिंग वगैरह हो जाती है आसानी से। और ये वाली जो साड़ी आप देख रहे हैं ये भी 350 की रेंज में आपको मिल जाएंगी बहुत आसानी से, और काफ़ी सारा इसमें भी कलेक्शन है। ये रेड वाली साड़ी अच्छी लग रही थी और इसी तरीके से और भी साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट सारे कलर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, बस आपको क्या रखना है थोड़ा पेशेंस। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम लेकर आइए और थोड़ा आराम से देखिए तो आपको ना आपकी चॉइस ज़रूर मिलेगी। जल्दबाजी मत कीजिए लेने में कि आपको बस एक बार में पसंद आई आपने फटाफट से ले ली, ऐसा नहीं है। आप जिस शॉप पे खड़े हैं शॉप पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइटम देखिए, और वैसे भी हम लोग का काम ही होता है गर्ल्स वगैरह का ना, कि लेडीज़ का काम ही यही है, गर्ल्स का काम ही यही है कि जब तक 15-20 पीस निकलवा ना लेना तब तक एक चीज़ पसंद नहीं कर सकते हम लोग। तो हाँ, हमारी फितरत है क्योंकि हमें ये कलेक्शन देखने होते हैं और उसके बाद जो है चेकआउट करना होता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर हम लेते हैं। पैसे लगा रहे हैं, थोड़ा अच्छी चीज़ लगता है कि ठीक है थोड़ा अच्छा सा लेकर जाएं, ताकि हाँ देखने वाले को भी लगे और हमें पहनने में भी लगे कि अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। तो यही है बस टिप्स थोड़ी बहुत जो मैं देती रहती हूँ बीच बीच में अपना ज्ञान, बाकी ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है लेडीज़ वगैरह को, उनको ऑलरेडी काफ़ी ज्ञान होता है। तो इनके पास इस तरीके की साड़ियाँ थी जिसमें डेली वेयर से लेकर के पार्टी वेयर फंक्शन वेयर सारी आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगी। तो इनकी शॉप थी और बाहर दोनों शॉप के साइड में, दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में इन्होंने 350 वाली सेल लगाई हुई थी। 400-450 की भी सेल थी इनके पास और 650 की भी सेल थी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने जो 350 रुपये वाली सेल है ना वो कवर की, क्योंकि वो उन्होंने शॉप के बाहर लगा रखी थी, बाकी का आइटम्स इनके शॉप के अंदर का था तो इसीलिए। और बाकी 1000-1200 की रेंज वाली भी साड़ियाँ इनके पास है तो वो भी मैं एक दो आपको दिखा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। सिल्क वाली जो साड़ी होती है ना पिंक कलर की और भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स की, अब मैंने ये ब्लैक कलर की साड़ी निकाली। अब ये जॉर्जेट में थी और फुली वर्क था तो वेयर करने पर ये भी ठीक ठाक लगेगी, और इस टाइप की साड़ियाँ भी काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं वेयर करना, तो 300-350 में क्या बुराई है इस साड़ी में, तो अच्छी ही है ये साड़ी। तो वही है कि 300-350 की रेंज में भी ना अच्छी साड़ी मिल जाती है, और यही साड़ियाँ अगर हम शॉप वगैरह पे जाते हैं तो वो लोग हमसे ज़्यादा प्राइस कोट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 400-450 या कभी कभी 500 भी वो कोट करते हैं, और फिर 600 फिर हम इस तरीके से बार्गनिंग करते हैं और हमें लगता है कि ठीक है हमने कम करवा लिया, बट शॉप की बात थोड़ी अलग हो जाती है और इस तरीके की मार्केट्स की बात अलग हो जाती है। और आप लोग भी ना कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि जो भी मैं कलेक्शंस दिखा रही हूँ उसमें से कौन सा कलर कौन सी साड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं, कौन सा पार्ट देखना चाहते हैं, कोई भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में क्वायरी है क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। और यहाँ पर भी जो ये वाली साड़ियाँ हैं ना जिसमें मैंने हाथ रखा है, इसका रेट अलग था, तो इसका रेट 600-700-800-1000 इस तरीके के रेट थे, क्योंकि ये दूसरे मटेरियल की साड़ी थी, इसका जो मटेरियल था ना वो अलग था, जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा। अभी मैं एक साड़ी निकालती हूँ 1000 रुपये की और वो ना मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी है। ये वाली नहीं है, ये तो 350 रुपये की है पिंक वाली, ये एक और साड़ी मैं निकलवाती हूँ आपको, थोड़ी सिल्क में जो साड़ी होती है ना वो मैंने एक्चुअली बाहर पटरी पर भी शॉप पर बिकती हुई देखी थी और इनके पास भी। ये वाली साड़ी इंद्रलोक में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी और इसका रेट जो इन्होंने कोट किया वो 1000 रुपये कोट किया, कुछ इस
तरीके की साड़ी है ये। इसमें चुन्नी वगैरह भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चलने लगी है, प्लेन सूट और इस तरीके की चुन्नियाँ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने ना चांदनी चौक से एक सूट लिया था तो उसमें मुझे इस तरीके की चुन्नी मिली थी, थोड़ी संभलती नहीं है बस ये चुन्नियाँ। और यहाँ पर जैसे ही मैंने मार्केट में एंटर किया ना गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करने के बाद, तो ना ये दिखे मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे, लिटरली इतने क्यूट लग रहे थे ना कि क्या बताऊँ। बस मेरा मन किया कि फटाफट से इसे कवर करती हूँ और देखती हूँ। मेरे घर में ऐसे कोई छोटी गर्ल बेबी नहीं है किसी की जिसको ये हम गिफ्ट कर सकें, बट अगर आपके घर में कोई गर्ल बेबी है ना तो इस साड़ी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही प्यारा लुक आएगा बच्चों का। तो फंक्शन वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा, अब दिवाली आ रही है तो दिवाली पे भी अगर आप इस तरीके की ड्रेसेस अपने बेबी को पहनाते हैं ना तो वो भी खुश हो जाएगी और आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो ये साड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ये रेडी टू वेयर वाली जो साड़ियाँ होती हैं उस तरीके की सी थी, और नीचे ऑलरेडी वेयर करके बना हुआ था इसका पल्लू, और ब्लाउज जो है वो अलग से था। मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी किस तरीके की पूरी साड़ी है ये। तो इस साड़ी में ना इनके पास ऑलमोस्ट सारे कलर आपको आसानी से मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये वाला कलर देख रहे हैं ये कलर मिलेगा आपको, रेड ग्रीन ब्लू सारे कलर आपको इस साड़ी में मिल जाएंगे। और इस तरीके की साड़ी है, इसका मटेरियल थोड़ा जो लाइक्रा टाइप का होता है ना उस टाइप की इसका जो मटेरियल था। और कलर देखिए, कलर भी सारे अच्छे अच्छे हैं इनके पास, रेड में भी है और हल्के हल्के कलर्स हैं बट प्यारे कलर्स हैं। और ये जो नीचे आप ब्लाउज पीसेस देख रहे हैं ना कुछ इस तरीके से, इसका अलग से ये ब्लाउज पीसेस है और नीचे स्कर्ट टाइप की है। और रेडी टू वेयर है तो आपको पता ही होगा कि बस स्कर्ट आपको वेयर करवा देनी है और पल्लू इसका इसी में अटैच्ड है जो कि आपको ब्लाउज़ के ऊपर रख देना है। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर इतने लोग मार्केट से कोई चीज़ अगर आप परचेज़ कर रहे हैं ना तो ये सोच के बिल्कुल मत कीजिए कि वो रिटर्न होगा, क्योंकि ना रिटर्न नहीं होता है। और बेशक से शॉप वाले आपको ये बात बोलें कि हाँ ठीक है आप ले जाइए बट हम रिटर्न कर देंगे, बट जल्दी करते नहीं हैं। यहाँ पर भी इनकी बहस इसी बात को लेकर के हो रही है, वो किसी रीज़न से रिटर्न करना चाहते थे ये, बट उन्होंने बोला कि नहीं ये बहुत ज़्यादा पुराना आप लेकर गए हो, अब ये रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। और उसका जो प्राइस था वो 400 था जो थोड़ा सा ज़्यादा था। और चलिए मूव ऑन करते हैं सबसे बेस्ट शॉप पे, और इनके पास जो कलेक्शन है सबसे ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस हैं, मतलब सारे जो सिल्क के सूट होते हैं ना, जो आपने लाजपत नगर वाले सूट हैं वो सारे सूट आपको इनकी शॉप पे मिलेंगे, और बहुत ही प्यारे प्यारे इनके पास ऑलमोस्ट सारे कलर हैं। लेकिन इनके पास अभी जो मैंने देखा येल्लो कलर काफ़ी ज़्यादा था, येल्लो का कलेक्शन जैसे मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा है, येल्लो अच्छे भी लगते हैं। इसके अलावा भी और भी कलेक्शंस इनके पास काफ़ी सारे थे दूसरे दूसरे कलर्स के भी, तो वन बाय वन करके एक दो सूट हम देखेंगे और ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके के सूट इनकी शॉप पर हैं। और ये इन्होंने बताया कि लाजपत नगर से सारे सूट लेकर आए हैं, और आप इसे प्रीमियम सूट बोल सकते हैं एक तरीके से, जो कुछ सूट्स थे ना इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे थे। रश बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है इंद्रलोक मार्केट में, इस टाइम पर आपको बहुत ध्यान रखना है, और शॉपिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, क्योंकि भीड़ इतनी है, गर्मी इतनी है, लोग आपको खड़े नहीं होने देते हैं, लाइक लिटरली किसी एक शॉप पे आप अच्छे से खड़े होकर ले नहीं पाओगे, इतनी इस टाइम पे भीड़ चल रही है, ठीक है। फेस्टिवल आने वाले हैं इस वजह से भीड़ बहुत है। ये वाला पीस आप देखिए, ये बहुत ही प्यारा पीस था, येल्लो कलर का, नीचे सरारा है और ऊपर से प्लेन है, और नीचे इस तरीके से वर्क आपको मिल जाएगा, ऊपर से उसका सूट या कुर्ती आपको मिलेगी, तो पीस बहुत प्यारे प्यारे थे इनके पास। और ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये स्कर्ट टाइप का है और इसके ऊपर का सूट उन्हें मिल नहीं रहा था, काफ़ी देर से वो ढूंढ रहे थे, हर कोई इसके ऊपर का पीस पूछ रहा था, जो ये स्कर्ट वाला है ना येल्लो वाला, हर कोई कह रहा था इसके ऊपर का दिखाइए, इसके ऊपर का शो कीजिए, बट उन्हें मिल नहीं रहा था। इसके ऊपर भी येल्लो कलर का ही कुछ प्यारा सा है उन्होंने बताया। और भी सूट्स इनके पास आप देख सकते हैं, ये वाला भी कुछ येल्लो इसमें ही है, पूरा वर्क है इस पर, तो कुछ इस तरीके का है। ये भी सिल्क में ही सूट है, ये पूरा प्लेन सूट आपको मिलेगा और नेक पे आपको ये इस तरीके का वर्क मिलेगा और बाजू पे वर्क मिलेगा। और ये नीचे का है जो भैया अभी दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं चुन्नी के साथ, तो ये पीस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जैसा कि मैंने बताया पूरा येल्लो येल्लो ही हर जगह दिख रहा है ना, क्योंकि येल्लो वाले पीस इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही खोल रखे हैं। बाकी और भी कलर्स इनके पास हैं, अभी मैं नीचे से ना कुछ और भी पीसेस आपको दिखाऊँगी। और जैसा कि मैंने बताया रश बहुत था गाइस, तो इस शॉप पर ना
छोटी सी कंजेस्टेड जगह पर है इनका, तो मतलब बहुत दिक्कत सी हो रही थी मुझे कवर करने में। और भी लोग वगैरह यहाँ पे थे जो देख रहे थे स्पीसीज़ को। और इसकी जो रेंज है ना वो 2500 रुपये रेंज है, 2500 रुपये इन्होंने कोट किया। ऑलमोस्ट सारे जो सूट्स यहाँ पे अवेलेबल है ना 2500 की रेंज के हैं, बाकी बार्गनिंग आप कर सकते हैं। जो भी सूट आपको पसंद आ रहा है आप पसंद कीजिए, उसके बाद आप बार्गनिंग कीजिए, बार्गनिंग हो जाएगी आसानी से, वो उन्होंने बताया। ये वाला सूट देखिए, ये कुछ मेहंदी कलर का सूट है और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये वाला कुछ येल्लो इसमें आएगा, इसमें पूरा वर्क आपको इस तरीके से मिलेगा और वर्क भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत अच्छा वर्क था उसका और अच्छा लुक दे रहा था। और कुछ ऐसे सूट भी आपको इनके पास मिलेंगे जैसा ये आप देख रहे हैं, पूरे धागे का वर्क है। ये ग्रीन वाला सूट भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसमें गले पर ना आपको ऐसा पूरा वर्क मिलेगा, सिर्फ ये गले पे ही आपको मिलेगा, बाकी पूरा सूट आपको सिंपल मिलेगा। और इसके नीचे आपको जो प्रिंट वाला होता है ना, जैसा आप बहुत सारे आपने ये देख रहे हो ना ग्रीन ग्रीन से, इस तरीके की चुन्नी मिल जाएगी आपको और नीचे सरारा गरारा टाइप का मिल जाएगा आपको। क्योंकि पूरे सूट को इस रश में खुलवा करके देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने ऊपर से पूरा ओवरव्यू दे दिया है। इनकी शॉप का लोकेशन भी मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर है। गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करने के बाद जो फर्स्ट गली से आप एंटर करते हैं, उस गली से आपको राइट साइड वाली गली में जाना है और राइट साइड जाने के बाद आपको लेफ्ट मुड़ना है और वहाँ पे इनकी ये शॉप है। कोई भी कंफ्यूजन आती है आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। मैंने मूव ऑन किया है किसी नेक्स्ट शॉप पे और ये भी सेम उसी गली की शॉप है और छोटी सी शॉप है इनकी। और इनके पास इस तरीके की बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते आपको मिल जाएंगे, चिकनकारी के और दूसरे कुर्ते भी 700-800 की रेंज में, और सरारा मतलब इसके नीचे प्लाजो के साथ आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो इसमें कलर्स आपको ऑलमोस्ट सारे कलर्स मिल जाएंगे, ब्लैक, रेड, पिंक, वाइट, सारे कलर, ठीक है। अभी मैंने मूव ऑन किया है, 5 नंबर गली का पहला वाली गली है ये, और यहाँ पे आपको इस तरीके के पजामे मिलने जाएंगे। और इनके पास जो पजामे की रेट था ना 150 रुपये के 2 पजामे, घर पर वेयर करने वाले जो पैंट्स वगैरह पजामे वगैरह होती है ना वो इनके पास थी 150 के 2, ठीक है। एक भी आप ले सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट मैंने विजिट किया तो इस तरीके से ये बैंगल्स वगैरह बेच रहे थे, वैसे इनका रेट जो इन्होंने कोट किया वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। तो सारे चीज़ों का प्राइस इनका सेम ही था, चूड़ियों का और नेकलेस का, और नेकलेस के कुछ अलग अलग प्राइजेस थे लेकिन चूड़ियों के जो प्राइजेस थे वो सेम ही थे, 100-200 की रेंज में आपको यहाँ पे इस तरीके की नेकलेस और बैंगल्स आसानी से मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे पीसेस। इनके पास कलेक्शंस होते हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने लगाया होता है, बाकी के कलेक्शंस इन्होंने रखे होते हैं। तो आपको ऐसे ज्वेलरी वाले शॉप्स जो हैं काफ़ी सारे दिख जाएंगे इस मार्केट में, पटरी पे हर ऑलमोस्ट सारी गली में एक दो आपको ऐसे दिख ही जाएंगे जहाँ पे ऐसे आपको बैंगल्स मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगी। इसके भी काफ़ी सारे कलेक्शन इंद्रलोक मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो मतलब सारी जो फेस्टिवल की शॉपिंग होने वाली है ना वो एक ही मार्केट से हो जाएगी, आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फेस्टिवल की शॉपिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए, केयरफुल ज़रूर रहिए, भीड़ इतनी होती है, रश इतना होता है, तो ध्यान ज़रूर रखिए अपना। और इस तरीके की पूरी ज्वेलरी आपको इस मार्केट में मिलेगी और इनके शॉप पे मिलेगी, और ये भी वही वाली गली है जो गली अभी मैंने आपको डिस्क्राइब की। और ऐसे ना आपको फुटवेयर भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे इंद्रलोक मार्केट में, फुटवेयर के भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और फुटवेयर भी ना बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना हील्स वगैरह, ये 250-250 की रेंज में इन्होंने लगा रखे हैं और ऑलमोस्ट सारे अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वगैरह के भी हैं। बाकी ये कितने रिलायबल हैं ये तो वेयर करने के बाद ही पता चलेगा, बट क्वालिटी तो देखने में अच्छी लग रही थी इसकी, वीडियो में भी अच्छी आई है और रियल में भी इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी देखने में। तो ये थी इंद्रलोक मार्केट की वीडियो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कीजिए। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।